भी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ को या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है मोहब्बत भाई 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 जल्दी से मिठाई खाए। किस खुशी में? आप मिठाई खाए ना, हमारे घर की खुशी है। अरे वाह, हमारे घर में खुशी और मुझे ही नहीं मालूम, ये तो बताओ किस किस्म की खुशी? खाला, आज अम्मा की तबीयत काफी बेहतर थी इसलिए खुशी में झूम रही थी, अभी फोन पे बात हुई थी मेरी। अम्मी अल्लाह, पूरे 10 दिन के बाद मैं अपनी बेटी की शक्ल देख रही हूँ। मैं आप इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे तू मेरी बात छोड़, यहाँ बैठ। ये बता, तेरे आने जाने पर पाबंदी क्यों लगा दी अदनान ने? वो कहते हैं कि तुम अपनी अम्मी के घर रोज मत जाया करो। क्यों ना जाया करो, उसने खरीद लिया क्या मेरी बेटी? अम्मी अभी वो गुस्से में है ना, थोड़े दिनों में उनका गुस्सा खुद ही उतर जाएगा, इसलिए मैंने उनकी ये बात मान ली। सारा तू बहुत ना समझ है, तुझे पता ही नहीं है कि शौहर की हर बात नहीं मानी जाती। अच्छा, लेकिन आंटी तो कहती हैं कि जो बीवी अपने शौहर की हर बात माने शौहर उससे हमेशा खुश रहता है। तेरी सास गलत कहती है, तजुर्बे की बात यह है कि अगर शौहर की बात मान लो तो वो अपनी बीवी की जिंदगी अजीरन कर देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? शौहर को अपने ठेंगे पे रखना चाहिए। ठेंगा? ऐसे होता ना ठेंगा? अरे हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि ठेंगा दिखा के अपने दिल की बात भी कह दी और किसी ने सुनी भी नहीं। बेटा, ये तरीके जॉइंट फैमिली में रहने वाली परेशान हाल बहुओं ने इजाद किए। ये तुम मुझे ठेंगा क्यों दिखा रही है? इस वक्त अदनान घर आने वाले और मैं आपको ठेंगा इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपकी हर बात नहीं मान सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय। अरे अरे, मुझे तो लगता है कि पूरे शहर को पता चल गया आपकी बीमारी के बारे में। कोई बात नहीं, जितने लोगों को पता चलेगा ना उतनी दुआएं ज्यादा मिलेगी। मेरा ख्याल है बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो छुपाया जाता है। आपको पता है मैं जब भी आपसे मिलने जाती हूँ ना, वो ऐसी लाओबाली सी बातें कर रही होती है ताकि मुझे शक ना हो जाए कि वो बीमार है। बुरा मत मानना बहन, लाओबाली बातें करने में तो तुम्हारी बहू भी कुछ कम नहीं है। बात करने से पहले तो उसकी हंसी शुरू हो जाती है। अरे मुनीरा बहन, बच्ची है वो, इसी साल तो इंटर किया है उसने। बातों से तो मुझे PhD लगती है। वो तो हर बहू लगती है। अब तो ऐसी बहुएं मिलती हैं, बुरी बहुएं, बहुत बुरी बहुएं और बदतरीन बहुएं। बस फिर तो आजकल तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए जिन्हें सिर्फ बुरी बहुएं मिलती हैं। अब माएं उस वक्त तक खुश रह सकती हैं जब तक उनके बेटों की शादियां नहीं होती। शादियों के बाद तो दिलो दिमाग पर बुरी तरह से जलजलों के झटके आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह मेरी तौबा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बिचारी माएं। सारे मेरा यकीन करो, इन दिनों मेरी कैफियत बहुत अजीब सी हो रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाजार तो हमारा मिलना नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम एक दूसरे से बार बार मिलने लगते हैं, कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने। यानी तुम सिर्फ एक बात का जवाब दो। कौन सी बात? तुम दुआ पर यकीन रखती हो ना?
रखती हूँ, लेकिन हर दुआ कबूल नहीं होती। क्या ये आप नहीं जानते? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि दुआ दस्तक की तरह होती है, और बार बार दस्तक देने से दरवाजा खुल जाया करता है। काश ऐसा हो जाए तो हर परेशानी खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ को या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है मोहब्बत हम सफर मेरी, शाम को मैंने कहीं जाना है तो मेरी ब्लू शर्ट इस्त्री कर। तुम मुझे अंगूठा क्यों दिखा रही है? इसका मतलब ये है कि जब मैं कहीं नहीं जाती तो आपको भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपकी शर्ट पे इस्त्री भी नहीं करूंगी। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला है? हाँ है, घर में बैठे हैं आप भी। तो क्या मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलूंगा? जाइए जाइए, जहां दिल चाहता है जाइए, मेरे ठेंगे से। तुम्हारे ठेंगे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जहां दिल चाहे आप जाएं, घूमें, फिरें, परवाह नश्ता। मेरी तरफ से भी ठेंगा। हाँ? क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको भी मेरी कोई परवाह नहीं रही? भाई मेरे ठेंगे का मतलब ये है कि जब मुझे घर से जाना पड़ेगा तो मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। हर किस अच्छा, इसका मतलब है कि इजाजत लेने का काम सिर्फ बीवी का होता है, शौहर को इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। पता, आज मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वाओ, मेरे बारे में क्या सोच रही हो? तुम एक अच्छे बेटे हो, और एक अच्छा बेटा आजकल के जमाने में अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का ख्याल रखता है। हाँ, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, अच्छा बेटा ही दुआओं का फल पाता है। पता नहीं हम एक दूसरे को झूठी तसल्लियां कब तक देते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये झूठी तसल्लियां तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है, ट्रूथ ऑफ लाइफ। और सच्चे लोगों के रास्तों में ही थोड़ी सी दुश्वारियां हायल होती हैं बस। हाँ। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे घर से नजदीक एक ऑफिस है, वहां तुम्हारी जॉब के सिलसिले में मैंने बात कर रखी है। करना ये होगा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाद 2-3 hours वहां पे वर्क करना होगा, और एक अच्छी सैलरी भी, आई मीन रीजनेबल सैलरी है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपनी फाइल लेकर। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, एक्चुअली वहां गया मेरे दोस्त का, अपने साथ जाकर मैं वहां। शहजादी तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरी माँ के बारे में। यही तो मुसीबत है कि आपको जानते ही नहीं है कि वो कैसे आग लगाने वाली खातून है। ठीक है, मैं उनको बुला लेती हूँ। खाला, खाला इधर आए, खाला, खाला इधर आइए।
क्या हुआ? सब खैरियत तो है? पूछे इनसे कि इन्होंने मेरी अम्मा की कैंसर की खबर कैसे नशर की, जैसे हर इलाके की मस्जिद में ऐलान करा दिया। मुझे क्या खबर के लोगों को कैसे पता चला? मैंने तो सिर्फ भाभी से कहा था कि आपा के लिए दुआ करवा दें। और आपकी भावज ने अपने मैक्रो ससुराल में फूंक दिया। अम्मा, आपको मना भी किया था कि ये बात आपने किसी को नहीं बतानी, फिर भी आपने। बेटा, क्या मैं अपनी बहन के लिए दुआ भी नहीं करवा सकती? आपने अम्मा के लिए दुआएं नहीं कराई हैं, बल्कि उनको मारने की कोशिशें की हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बहन के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ? कोई बहन बहन नहीं है, आजकल ऐसे ही होता है, नफरत का रिश्ता सब पे हावी होता है। बल्कि मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि उनको कैंसर ना होने के बावजूद इस बात का इल्म ना हो जाए कि उनको कैंसर है। क्या तुमने हमसे झूठ कहा था? बहाना बनाया था तुमने? नहीं नहीं नवेद, जो डॉक्टर कहेंगे वही तो बात मानी जाएगी ना। हाँ, जाहिर सी बात है, बीमारी की तशखीस तो डॉक्टर ही करता है। तो ये कैंसर वाली बात डॉक्टर शाजिया ने तो हमें बताई थी। कौन डॉक्टर शाजिया? वही खाला जिनके शोहर भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। शाजिया तो डॉक्टर नहीं है। तो क्या हुआ? नवेद, उनके शोहर तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसी वजह से शाजिया को भी बहुत मालूम आते हैं। उन्होंने तो बताया था कि अम्मा को कैंसर है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शहजादी, क्या हुआ? वाह शहजादी वाह, गलती तो तुमसे कभी हो ही नहीं सकती और मक्कारी तुम पर खत्म है। इन मैं भी शाजिया को फोन करके जरूर पता करूंगी, उसे आपा की बीमारी के बारे में कैसे जाना। मैं तो लाहौर जा रहा अपने काम के सिलसिले में, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊं, हम लोग साथ में बैठ के किसी अच्छी सी जगह पे लंच करते हैं। आज एक्चुअली मेरा ऑफ है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा सोचा। अब देखो प्लीज प्लीज, तुमने सेलफोन अपना पिक कर लिया है तो ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, इस कम्युनिकेशन को अब खत्म मत करना। और प्लीज देखो, मेरा दिल ना तोड़ना, मना मत करना। इतनी देर से मैं बकबक किए जा रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो गई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम बहाने तो नहीं सोच रही मुझे टालने के लिए? सारिम बेटा, एनी इस वक्त घर पर नहीं है, वो मेरी मेडिसिन लेने बाहर गई है और फोन घर पे भूल गई। सॉरी आंटी, आई एम सॉरी आंटी। वो तुम घर आओ ना, हमारे साथ लंच करो। नहीं आंटी, मैंने तो बस वैसे ही फोन किया था। मगर मैं तुमसे ऐसे ही बात नहीं कर रही, तुम आओ तो सही। बस एनी भी आने वाली है। ठीक है आंटी, अगर आप इसरार कर रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा, मैं आता हूँ फौरन। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ बेटा शाजिया, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से। नवीद और शहजादी भी बिल्कुल ठीक है, आपा की तरफ गए हुए हैं। वो शाजिया, तुमसे बेटा एक बात पूछनी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि आपा को कैंसर है? क्या कहा, तुम्हें नहीं पता? तो बेटा तुमने फिर ये बात शहजादी से कैसे कह दी कि हमारी आपा को कैंसर है? ओ अच्छा, तो ये बात है, तुमने उनके स्टार के बारे में बताया था कि उनका स्टार कैंसर है और बेचारी शहजादी को गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी की बात नहीं है? तुम लोग स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे? अच्छा, तो फिर बेटा मेरे सुनने में गलती हुई होगी। चलो बेटा, खुदा हाफिज, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। कमाल है शहजादी तुम पर, बात से बात निकालना तो कोई तुमसे सीखे, बहुत माहिर हो तुम। साहिब, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप एक्चुअली मुझे नजर नहीं आया, आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी,
please don't mind. इतना बड़ा झूठ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई बेटी अपनी माँ को कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला कर सकती है। अरे आपा, जो बातें पहले सोच नहीं सकते थे ना, वो बातें अब हो रही हैं। मगर इस झूठ का से कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ फायदा? अपनी शादी जल्द से जल्द करवाने में कामयाब नहीं हो गई वो नवीद से? मगर ऐसी झूठी बीवियां अपने शोहरों की नजरों में गिर जाती है। बीवियां कभी झूठी नहीं होती और ना ही वो अपने शौहरों की नजरों से गिरती हैं। बीवियां तो मासूम होती हैं, भोली होती हैं, नादान होती हैं। ठीक कहा। और अपनी इस मासूमियत के चोले में अपनी कोताहियां छुपा लेती हैं। अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह, वो भी कैंसर? अल्लाह माफी। बिल्कुल ठीक कह रही है। थक गए आज तो चल चल के। ये क्या है? ये कैसा लिफाफा है? और मेरी बुक्स के साथ? इसमें तो खत भी है। प्यारी गुल, अगर किसी गुल का खत मेरी बुक में, वो जो लड़का मुझसे टकराया था यकीनन ये उसी का खत है और गलती से मेरी बुक्स में आ गया। कितनी खुशनसीब होती हैं वो लड़कियां जिनका चार्मिंग सा हीरो उन्हें कितनी जल्दी ढूंढ लेता है, और मेरा हीरो तो अभी तक मुझे ढूंढ ही नहीं सका। कब आएगा? कल पड़ोस से लड़ाई झगड़े की कितनी ज्यादा आवाजें आ रही थी ना? हाँ, नवीद की माँ अपनी बहू को डांट रही थी। शहजादी बहुत झूठी लड़की है, उसकी सास उससे आजिज हो गई। शहजादी भी तो बहुत चीख रही थी, कह रही थी कि कोई मुझ पर पाबंदी लगाकर तो दिखाए, मैं सबको ठीक कर दूंगी। बहुत बदतमीज बहू मिली है नवीद की माँ को। भई आंटी, उन लोगों को भी क्या जरूरत है कि वो शहजादी के मामलात में इंटरफेयर करें? फिर उसका जहां दिल चाहे वो आए जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अगर अपनी बहू पर ज्यादा पाबंदियां लगाए ना, वो लड़ाई ना भी करे तो नफरत जरूर करेगी। अच्छा, इस तरह से होता है? होता तो पता नहीं क्या क्या है, मैंने तो सिर्फ जरा सी बात बताई है। मैंने आंटी से कहा था कि मेरा हाथ सुन हो रहा है, ऊपर फोर्थ फ्लोर पे क्लिनिक नहीं है। मैंने कहा कि वो डॉक्टर 3 हफ्ते की एक्सरसाइज करवाती हैं। कैसा? और किसी दिन
तेरी सास ने ये कहा कि मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तो फिर कहाँ लेकर जाएगी? अम्मी, आपने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया। भाई ने घर के कामों में दिलचस्पी लेना खत्म कर दी। घर में आंखें बंद करके नहीं रहा जा सकता। अरे कोई काम कहो, साफ इनकार कर देता या कोई बहाना बना देता।